मेरा नाम डॉक्टर शालिनी जैन है, मैं एक पीडियाट्रिक आई केयर प्रैक्टिशनर हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारे माइनस नंबर को बढ़ने से रोकने में स्पेशल टाइप के चश्मे के लेंसेज किस तरह हेल्पफुल होते हैं। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे माइनस नंबर को बढ़ाते हैं। उसमें दो फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है, अगर हम पास में रख करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो हमारी आई की लेंथ बढ़ने के लिए एक प्रोवोकिंग फैक्टर होता है या माइनस नंबर को बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरा फैक्टर होता है, जब हम नॉर्मल लेंसेज के थ्रू किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारा सेंट्रल विजन तो क्लियर रहता है, लेकिन पेरिफेरल इमेजेस जो पेरिफेरल रेटिना पे बनती हैं वो इतनी क्लियर नहीं होती हैं। सो, इसमें दो तरीके के लेंसेज होते हैं। एक लेंस जो काम करता है हमारे पेरिफेरल डिफोकस को क्लियर करने में, ताकि हमें अपने आप से या हमारी आई को मेहनत ना करनी पड़े, हमारी आंख उसको अकोमोडेट करके क्लियर करने की कोशिश ना करे, तो वो स्पेशल लेंसेज होते हैं जो पेरिफेरल डिफोकस को क्लियर करते हैं। दूसरे तरीके के लेंसेज वो होते हैं जिसमें हमारा नियर पॉइंट ऑफ फोकस थोड़ा हम दूर शिफ्ट कर देते हैं। जो हमारे माइनस नंबर्स होते हैं या माइनस हाई पावर्स होती हैं, उनका जो फोकल लेंथ होता है वो पास में होता है। यानी हमारा अगर माइनस नंबर ज़्यादा है तो हम सोचे हम यहाँ रख के पढ़ लें, उसे पढ़ने में मुश्किल होगी, हम वो यहीं पर वो क्लियर दिखेगा। तो उस फोकस को अब हम कहते हैं कि आप पास में रख के मत पढ़िए, लेकिन उस सिंगल लेंस के साथ उनको देखने में, यहाँ पर देखने में क्लियर लगेगा और थोड़ा दूर जाएंगे तो वो क्लियर नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे उसकी डिस्टेंस यहाँ कर लेंगे। जैसे ही वो उसको यहाँ रख के पढ़ेंगे फिर से मायोपिया बढ़ेगा, फिर से आई की लेंथ बढ़ेगी। तो उसमें कुछ स्पेशल लेंसेज होते हैं जिसमें प्रॉपर पावर के साथ, प्रॉपर करेक्शन के साथ भी हम बुक को या किसी भी अपने रीडिंग मटेरियल को दूर रख के भी पढ़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर हम कहें कि ये लेंसेज में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, बच्चे का पूरा असेसमेंट करना पड़ता है कि इसमें हमें किस डिज़ाइन के लेंस पर जाना है। क्या हमें पेरिफेरल डिफोकस इसको फैक्टर है आई की लेंथ बढ़ाने में, या इनका जो नियर पॉइंट ऑफ फोकस है जो पास में रख करके देखते हैं, जिसको हम अगर टेक्निकल वर्ड में बोलें तो लैग ऑफ एकोमोडेशन तो नहीं है। हमें ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एग्जामिन करनी पड़ती हैं। रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया देखना पड़ता है कि बच्चे का नंबर किस रेट से बढ़ रहा है, कहीं वो हाई मायोपिया में तो नहीं जा रहा है। तो कई बार हमें एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के साथ साथ इन स्पेशल लेंसेज की भी हेल्प लेनी पड़ती है। सो, अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है कि बच्चे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आज ही एक मायोपिया कंट्रोल स्पेशलिस्ट को इसे दिखाइए कि कहीं इन्हें और किसी एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस के साथ और किसी स्पेशल ग्लासेस की या स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज की या किसी मेडिसिन की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं या ड्रॉप्स, वो कैसे हेल्प करती हैं मायोपिया को स्लो डाउन करने में। नमस्कार।